आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबको प्राइस कितना पड़ा था, मेरे को पूरा सेटअप करके बताने वाला हूँ। तो है गाइस, सारे भाइयों को राम राम और एक और नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इसका मतलब ये वाला पूरा बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर करना, और मैं आशीष भाई के घर पर ही बना रहा हूँ GoPro Hero 10 ब्लैक। और मैं इसको और एडाप्टर, माइक एडाप्टर को मैं ऑनलाइन परचेस नहीं किया हूँ, ऑफलाइन परचेस किया हूँ। और तो गाइस चलिए आप GoPro को अनबॉक्स करते हैं, मैं पहले से कर चुका हूँ। तो गाइस फिर से इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये रहा मेरा GoPro Hero 10 ब्लैक। तो गाइस ये रहा कुछ इतना सामान GoPro के साथ मिलता है, और कुछ कार्ड आप लोग देख लेना इतना सारा। तो गाइस इसको अभी साइड पर रखते हैं, और उसके बाद मेरे पास है 3.5 mm माइक अडाप्टर, और मैं उस दुकान पर ही मैं इसको अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो फिर से इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस। और मेरे को ये कुछ कार्ड कुछ नहीं है, बस देख लेना पढ़ लेना। और मेरे को एक उसका अडाप्टर मिला है, ये रहा इतना सा छोटू सा पिद्दी सा, बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका, मोटो ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ये काम आता है। साइड पर रखते हैं और उसके बाद तो गाइस ये रहा उसका केस, जो उलांजी का केस मैंने परचेस किया हूँ, इसको ऑनलाइन परचेस किया हूँ, और क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हो आप लोगों को मैं पूरा सेटअप करके बताने वाला हूँ। गाइस ये रहा मोनो का माइक, और मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और ये रहा मेरा संडिस का कुछ HD कार्ड, और आप लोग देख लेना है, कुछ 128 GB का है, और इसका स्पीड है कुछ इतना, आप लोग देख लेना। संडिस का अनबॉक्स कर चुका हूँ मैं, और इस पर मैं चिन माउंट लगा चुका हूँ, अरे ये चेक कर सकते हो। और इसके अंदर मैं माइक भी मतलब लगा दिया हूँ, और मोनो का माइक है ये वाला, तो मैं इसके अंदर लगा चुका हूँ। इसके अंदर GoPro को लगाने के लिए यहाँ पर खुलेगा ये वाला बटन खुलेगा। तो गाइस ये रहा GoPro, और इसका मेरे को कुछ बैटरी वाला ये कुछ निकालना होगा मेरे को, ऐसा कुछ पुश करने पर निकल जाएगा ये। और इस पर लगाते हैं, मैं पहले से इसको खोल चुका हूँ, और सीधा इसको अंदर डालते हैं। हाँ शायद से लग गया मेरे लगता है, और इसको फिर ऐसे लगाते हैं, और ये लग गया गाइस मेरा फुलांजी का केस है, तो GoPro आ गया लग। तो गाइस ये लग चुका है, आप चेक कर सकते हो केस उसका। और 3.5 mm माइक अडाप्टर को भी हम लोग को लगाना होगा, तो हम लोग को इधर से कुछ ऐसे लगाना होगा, आप लोग ऐसा कुछ, और इसको ऐसे घुमाकर कुछ ऐसे लगाना होगा शायद से, हाँ ऐसे लगाना है। और ये रहा पूरा लग गया इसका अडाप्टर भी, और अब हेलमेट पर लगाते हैं हम लोग इसको फिर। और उसका ये वाला नट है, तो इसको पहले तो लगा लेते हैं हम लोग, नट को टाइट अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबको प्राइस कितना पड़ा था मेरे को, पूरा मेरा सेटअप। गाइस आप लोग एक बार सिनेमैटिक चेक करो। ऑफलाइन परचेस किया हूँ, और 3.5 mm अडाप्टर, तो इसको भी ऑफलाइन में परचेस किया हूँ। और इन दोनों को मैं मतलब आप लोगों को बता देना हूँ प्राइस कितना पड़ा, कुछ 31,000 कुछ 600 का कुछ प्राइस पड़ा है इन दोनों का मेरे को। और उसका केस है उलांजी केस, और मोनो का माइक, और HD कार्ड, इन तीनों को मैं ऑनलाइन परचेस किया हूँ। तो संडिस का है, तो इसका प्राइस मेरे को कुछ 1100 का पड़ा है संडिस का, पावरफुल HD कार्ड है। और मोनो का माइक 400 का पड़ा हुआ है, और उलांजी केस मेरे को कुछ 1200 का प्राइस पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को मैं फिर मिलता हूँ मोटो ब्लॉक सेटअप पर, और ये रहा मेरा पूरा सेटअप, आप चेक कर लिए है ना सिनेमैटिक पर। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को बाइक पर। कर सकते हो आप, हम लोग आ गए हैं बाइक पर, और हमारे आशीष भाई पीछे हैं, तो पहले तो चलते हैं भगाते हुए। और कमेंट करके बताना सही से वॉइस आ रहा है कि नहीं, और चलते हैं फिर उधर। ओ भाई 90 टच कर गया, ओ भाई भाई रुक गया यार आराम से भाई भाई। ओ
गाइस, उससे पहले मेरे को पेट्रोल भी डलवाना है, तो बहुत ज़्यादा कम है पेट्रोल और चलते हैं फिर पेट्रोल पंप। ओ भाई भाई, अरे चाचा सही से एंगल आ रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं लगा दिया हूँ। तो पहले तो चलते हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाना होगा मेरे को, फिर चलते हैं पेट्रोल पंप। आगे का टायर फिसल गया गाइस, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। दो सौ डाल देना भाई। हाँ, और पेट्रोल पूरा खत्म हो गया था गाइस। हाँ भाई, 08। तो पेट्रोल हो गया गाइस, 200 को डलवा लिया हूँ और चलते हैं फिर। और ठीक से एंगल आ रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं है भाई भाई। सेलिन हो गया और साइड पर चलते हैं। और रह रहा हमारे आशीष भाई। हाय कर दे ब्रो, हाय। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि सही से वॉइस आ रहा है कि नहीं। और मैं अभी एडिट पर बैठूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि सही से आ रहा है कि नहीं भाई। आगे कुछ भी आ सकता है तो भाई भाई, अभी 100% टच करने वाला हूँ, तो कमेंट करके बताना कि सही से वही आ रहा है कि नहीं। और टच हो गया 100। ओ भाई, बहुत ज़्यादा लीन है यार। ओ भाई भाई, 100 टच हो गया गाइस। भाई नॉर्मल सी बाइक पर 100 टच करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ये वाला मीटर पर, इसको आटा वाला मीटर बोलते हैं ऐसा कुछ। 100 से आराम से चलते हैं गाइस। यहाँ से बकरी हुआ है, टच नहीं होता ज़्यादा। और ये रहा आशीष भाई। हेलो ब्रो, हेलो 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 भाई भाई, पावर तो है यार R15 पर, बहुत ज़्यादा पावर है। और तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को किसी नए वीडियो पर।